और क्या हाल है मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाकलम बना धनिया के द्वारा तैयार पंजीरी रेसिपी और साथ ही साथ हमने पंचामृत को बना के तैयार किया है। एकदम से सही तरीके से कैसे पंजीरी और प्रसाद को बना के तैयार किया जाता है और साथ ही साथ पंचामृत को एकदम सही रेशियो से बना के इसको भी तैयार करेंगे। दोनों रेसिपियाँ एकदम से परफेक्ट है और लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो आपने एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। थोड़ी सामग्री थोड़ी समय के अंदर ही बन के तैयार जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। भोग प्रसाद के लिए सबसे पहले हमने धनिया की पंजीरी को बना के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद पंचामृत को बना के तैयार करेंगे। तो धनिया की पंजीरी को बनाने के लिए हमने साबुत वाली आधी कटोरी धनिया लिया, वजन में लगभग 25 से 30 ग्राम होगी। जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से बना के तैयार कर लीजिए। धनिया को हमने अच्छी तरीके से धुल के धूप में सुखा लिया था। इसके बाद इसके अंदर जो सीकी वगैरह होती है उसको निकाल के साफ कर लीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए जिससे प्रसाद एकदम पवित्र शुद्ध बन के तैयार हो। तो सबसे पहले गैस पर हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देती हैं और धनिया को चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेना है। धनिया का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसके अंदर एक सोंधापन आ जाए इतना ही इसको हमने भून के तैयार करना है, जिससे अंदर तक ये अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाता है। और इसको भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। इसको इसी तरीके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इस तरह देखिए, रखे हुए 10 मिनट हो गया, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसको हमने पीस के तैयार करना है। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर पूरी धनिया को डाल देते हैं और इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए धनिया का पाउडर बन के तैयार हो गया। पंजीरी को बना के तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए अब इसके अंदर हमने आधा टेबल स्पून देसी घी डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी की मात्रा और डाल सकते हैं, फिर इसको पैन में डाल के भून के भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने चौथाई कटोरी नारियल के बुरादे को डाल देते हैं और साथ ही साथ चौथाई कटोरी मिश्री के पाउडर को डाल देते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर देसी खांड डाल लीजिए या फिर गुड़ के पाउडर को भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए ये बढ़िया धनिया की पंजीरी बन के तैयार हो गई है। तैयार धनिया की पंजीरी को एक बोल के अंदर हमने निकाल के रख लिया। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। जब भी पंजीरी को बना के तैयार करते हैं तो 5 तरह का ड्राई फ्रूट ज़रूर पड़ता है। इसके अंदर हमने काजू लिया, बादाम लिया, किशमिश है, मखाना है और साथ ही साथ थोड़ी सी चिरौंजी डाल दिया। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद पूरी पंजीरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। कम चीनी और कम घी के द्वारा इस पंजीरी को हमने बना के तैयार किया जो पूरी तरीके से हेल्दी है। भगवान का प्रसाद बन के तैयार हो गया। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है जो पंचामृत है। लड्डू गोपाल के लिए जब भी आप कोई भी पंजीरी बना के तैयार करिए तो उसके साथ पंचामृत को जरूर बना के तैयार करिएगा, नहीं तो प्रसाद अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया, उसके अंदर 100 ग्राम के करीब इसके अंदर दही निकाल लिया है और पंचामृत 5 चीज़ों के द्वारा बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून गाय का शुद्ध देसी घी डाल दिया जो घर का बना हुआ है। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शहद को डाल दिया है। पंचामृत को जब आप बना के तैयार करें तो इसके अंदर कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है। दूध को हमने पकाना बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए हमने लगभग 25 से 30 ml के करीब कच्चा दूध लिया था। इसको अंदर डाल देते हैं, ये भी गाय का दूध है और साथ ही साथ 25 से 30 ml इसके लिए हमने गंगा जल लिया है। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप इसके अंदर पानी को भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मिश्री के पाउडर को डाल दिया। आप चाहे तो चीनी डाल लीजिए, देसी खांड डाल लीजिए, गुड़ या गुड़ के पाउडर को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पंचमेवा को डाल देना, जो 5 तरह का मेवा होता है उसे ही पंचमेवा बोला जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट्स ली, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ले लीजिए। हमने इसके अंदर बादाम, किशमिश, काजू, चिरौंजी और मखाने को लिया है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून नारियल के बुरादे को डाल दिया। अगर आप पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप नारियल को घिस के डाल सकते हैं, फिर छोटे टुकड़े में कट करके उसको भी डाल सकते हैं। 1 स्पून सहायता से इसको हमने अच्छी तरीके से मिला लेना जिससे चीनी और शहद अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल मिल जाए। और इस तरीके से देखिए पंचामृत बन के तैयार हो गया। तो इसको एक दूसरी कटोरी के अंदर हमने निकाल लिया। जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाइए उस समय आप इसके अंदर तुलसी पत्र डाल दीजिए, तो ये पूरी तरीके से प्रसाद बन के तैयार होता है। आप प्रसाद जब भी बनाइए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आप भगवान के लिए इस प्रसाद को बना के तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए धनिया की पंजीरी और पंचामृत बन के तैयार हो गए। इसी के साथ साथ हमने माखन और मिश्री रखा है। आप चाहे तो फ्रूट्स रख लीजिए या फिर मावा का पाग या ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं।
लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब आप उनको भोग लगाइए तो थाली के अंदर तुलसी पत्र को जरूर रखिए, तभी वो पूर्ण रूप से भोग बन के तैयार होगा। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।